35 टुकड़ों वाली मर्डर मिस्ट्री के कई राज खुल रहे हैं, तो खौफनाक खलनायक आफताब का असली चेहरा भी बेनकाब हो रहा है। इस केस में अब जंगल में दफन सबूत बोलेंगे और 35 टुकड़ों वाला राज खोलेंगे। पैंतीस टुकड़ों वाली कोने लव की इनसाइड स्टोरी। श्रद्धा के कातिल का हर राज खुल रहा है। मौकाए वारदात से कत्ल का सामान जुट रहा है। पड़ोसियों से भी कत्ल का हर सुराग मिल रहा है। मुंबई से दिल्ली तक 35 टुकड़ों वाले कत्ल की पूरी तफ्तीश। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के सुराग एक नहीं कई जगहों से जुड़े हैं, लेकिन महरौली के जंगलों में इस मर्डर मिस्ट्री के गहरे राज हैं, जिसे तलाशने पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची तो कुछ चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे। महरौली के जंगलों से मिल रहे सुराग। सर्च में मिली हड्डी की भी होगी जान। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर रही तलाश, ताकि छूटे ना 35 टुकड़ों का कोई राज। आफताब और श्रद्धा की खूनी लव स्टोरी में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन महरौली के जंगलों से सबसे खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के राज सामने आने लगे हैं। किसी भी मर्डर मिस्ट्री में सबसे खास सुराग मिलता है क्राइम सीन से, वो जगह जहां हर राज दफन होता है। इसलिए मंगलवार की सुबह पुलिस आफताब को क्राइम सीन पर लेकर पहुंची। सर्च के दौरान पुलिस को एक हड्डी जैसी चीज मिली है। शक श्रद्धा की हड्डी होने का है, जिसकी लाश के टुकड़ों को आफताब ने इन्हीं जंगलों में ठिकाने लगाया था। हालांकि पुख्ता तौर पर जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह हड्डी किसकी है, किसी जानवर की है या फिर सच में ये श्रद्धा की है। अब उस घर को भी देख लीजिए जहां आफताब ने श्रद्धा को मौत की नींद सुलाने के बाद हैवानियत भरे अंदाज में उसकी लाश के 35 टुकड़े कर डाले। महरौली के इस घर में जहां क्रूर हत्या हुई, हम मौजूद हैं इस वक्त श्रद्धा और आफताब के घर पे, जहां पर श्रद्धा की मर्डर के बाद 35 टुकड़ों में उसके शरीर को करके आफताब ने महरौली के जंगलों में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। ऐसे में आसपास के लोग बेहद इस वक्त गुस्से में भी हैं, साथ ही उनके अंदर एक डर भी फैल गया है कि आखिर ऐसे अपराधों को कैसे रोका जाए। ऐसे अपराध जो उनकी मौजूदगी में उनके आसपास ही हो रहे थे, उनको जानकारी नहीं मिल पाई। इस घर का हर हिस्सा आफताब की हैवानियत की गवाही दे रहा है। पहली मंजिल पर मौजूद घर रिहायशी इलाके में मौजूद है, जहां पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह की वारदात जब आप सुनते हैं, जब आप देखते हैं कि इतना जघन्य, इतना क्रूर हत्या का मामला सामने आया है आप ही के सोसाइटी में, क्या इस वक्त आपके जहन में चल रहा है? मेरे हिसाब से तो लिविंग में जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, ये बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहिए। जिस दिन से ये लिविंग का जो डिस्टर्ब बनाया है, तब से ही ज्यादा जब इस तरह के मर्डर ये सब चीजें सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल मैम ठीक कह रही है, और इसके लिए बहुत ही सख्त कानून लाने की जरूरत है, ताकि ऐसा अपराध दोबारा ना हो। चूँकि
जाहिर है इस हैवानियत भरे हत्याकांड के बाद पड़ोस में रहने वाले लोग भी खौफ ज़दा हैं। इस बात पर लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिसके साथ जिंदगी जीने की कस्में खाई हो कोई उसे 35 टुकड़ों में कैसे काट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटने वाला आफताब कितना शातिर था, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि एक तरफ वो श्रद्धा के 35 टुकड़े कर रहा था तो दूसरी तरफ उसी के सोशल मीडिया अकाउंट को चलाकर उसे दुनिया के सामने जिंदा कर रखा था। खौफनाक हत्यारे का खतरनाक मंसूबा, सोशल मीडिया पर श्रद्धा को रखा जिंदा। मर्डर के 20 दिन बाद भी चलाता रहा अकाउंट ताकि किसी को ना हो हत्या का डाउट। श्रद्धा और आफताब की खूनी प्रेम कहानी में श्रद्धा तो अपना दिल दे बैठी थी लेकिन आफताब उसकी जान ले बैठा, वो भी किसी हैवान की तरह। उसकी हैवानियत भरी दास्तां की पूरी कहानी के परत दर परत खुल रहे हैं तो उसका खलनायक वाला असली रूप सामने आ रहा है। इसका दिमाग कितना शातिराना था इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए 18 मई को श्रद्धा और आफताब का झगड़ा हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई। 20 मई को आफताब ने 300 लीटर वाला फ्रिज खरीदा, लाश को अपने हाथों से टुकड़े करता गया और फ्रिज भी भरता गया। बदबू ना आए इसके लिए अगरबत्ती और परफ्यूम का इस्तेमाल किया। इससे भी बड़ा चौंकाने वाला जो राज सामने आया है उसके मुताबिक श्रद्धा के घर वालों और उसके दोस्तों को गुमराह करने के लिए वो उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी चलाता रहा। एक दो दिन नहीं बल्कि हत्या के 20 से 22 दिन तक वो उसका अकाउंट चला रहा था। 9 जून को आखिरी बार श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव दिखा था। इससे भी बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अगर बात करें तो लोगों को गुमराह करने के लिए श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट भी चलाया करता था और आखिरी बार 9 जून को श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव दिखा था जिससे कि लोग गुमराह होते रहे और लोग ये सोचे कि श्रद्धा अभी भी जीवित है और लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपडेट कर रही है। और यही कारण है कि आफताब लोगों को गुमराह करने के लिए लगातार श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था। श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से ही श्रद्धा के साथ हुई अनहोनी का राज सामने आया था। इस खौफनाक हत्याकांड में सबसे अहम कड़ी है श्रद्धा के बचपन का दोस्त लक्ष्मण। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लक्ष्मण ही वो पहला शख्स है जिसे श्रद्धा की हत्या का शक हुआ था क्योंकि श्रद्धा ने इसे आफताब के साथ अपने खराब होते रिश्तों की जानकारी दी थी लेकिन कई दिनों से बात नहीं हुई तो इसे शक हुआ। श्रद्धा के घर वालों को इसकी खबर दी कि कुछ दिनों से श्रद्धा का कोई अता पता नहीं है। इस खौफनाक हत्याकांड के खुलासे में सबसे अहम कड़ी है श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण। अगर बात करें तो पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि लक्ष्मण को ही सबसे पहले श्रद्धा के हत्या का शक हुआ था क्योंकि श्रद्धा उसके और आफताब के संबंधों के बारे में लक्ष्मण को बताया करती थी कि इस तरीके से आफताब के साथ श्रद्धा के संबंध खराब हो रहे हैं। और जब लक्ष्मण को शक हुआ तो लक्ष्मण ने ही श्रद्धा के घर वालों को इत्तला किया कि श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं उसकी हत्या ना हो गई हो। इसके बाद घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई और इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस बीच एबीपी की टीम मुंबई की उस सोसाइटी भी पहुंची जहां आफताब दिल्ली आने से पहले रहता था। आफताब वसई में यूनिक पार्क सोसाइटी में रहता था। पड़ोसी का कहना है कि श्रद्धा भी आफताब के साथ घर पर आती थी। आने वाले दिनों में 35 टुकड़ों वाले इस मर्डर मिस्ट्री के कई और राज सामने आएंगे और कई खुलासे होंगे लेकिन एक बात तो साफ है कि आफताब का यह संगीन गुनाह माफी के लायक तो कतई नहीं है। इसके शातिराना करतूत इसी तरफ इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और
लिस्ट में शिवपाल यादव को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी जब आजमगढ़ में चुनाव हुए थे या फिर लखीमपुर में चुनाव हुए, शिवपाल को जगह नहीं मिली थी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें शिवपाल यादव को भी जगह दी गई, स्टार प्रचारक बनाया गया है और सपा विधायक के तौर पर शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो देखिए ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम है और समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर उनको जगह मिली है। तो ये इस बीच बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये कि जैसा कि रामगोपाल यादव ने कहा भी था कि शिवपाल यादव को से पूछ कर टिकट दिया गया है, तो देखिए ये जो पूरी 40 लोगों की लिस्ट है, उस 40 लोगों की लिस्ट में सातवें नंबर पर नाम सामने दिख रहा है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या माने कि ये जो लिस्ट में जगह दी गई है ये परिवार को जोड़ने में पहला कदम है अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए परिवार को जोड़ने की तरफ तो कदम है ही, लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरीके से मैनपुरी का जो इलेक्शन है, जो नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई है, वहां पर किस तरह से माहौल है या किस तरीके से शायद फाइट होगी, क्योंकि अखिलेश यादव शिवपाल यादव का अब स्टार प्रचारक बना रहे हैं। हमने तो तमाम सारे चुनाव देखे उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन कहीं पर भी शिवपाल यादव को जगह नहीं मिली इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। हाल ही में गोला के जब उपचुनाव हुए वहां पर भी नहीं उनको जगह मिली, लेकिन अब चूंकि शिवपाल यादव ने जो मौन साधा हुआ है, खासतौर से जब से डिंपल यादव को कैंडिडेट बनाया, घोषित किया, फिर नामांकन हुआ, वहां पर भी नहीं पहुंचे। और आज जिस तरीके से बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्टर को कैंडिडेट बना दिया, तो उसको लेकर भी अलग तरह की चर्चाएं हैं यूपी की सत्ता के गलियारों में। अब शिवपाल यादव क्या कदम उठाएंगे, क्या वो मैनपुरी जाएंगे, क्या वो बहु डिंपल यादव के लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि अब वो स्टार प्रचारक हो गए। हमारी खुद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम से बात हुई, नरेश उत्तम पटेल भी मैनपुरी जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि भाई अब तो शिवपाल यादव का अपन स्टार प्रचारक बनाया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो सिंबल पर किसके चुनाव लड़े, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, हमारे विधायक है और हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। तो कहीं ना कहीं देखिए मैनपुरी का जो बाय इलेक्शन है, जिस तरीके से चाहे अखिलेश यादव कह रहे हो या अन्य लोग कह रहे हो, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो मैनपुरी में, अगर हम कहें इस इलेक्शन में, ना आजमगढ़ की गलती दोहराएगी ना रामपुर, बिल्कुल कोई चूक छोड़ना नहीं चाहते। और जो बात बार बार आ रही थी शिवपाल वाली, उसमें उनको जगह दी गई स्टार प्रचारक के तौर पर। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए। एक बेबस बाप अपनी दो बेटियों के साथ बलि चढ़ गया, उसने बेबसी में सुसाइड वाला पाप किया है, ये श्राप पूरे परिवार के हिस्से आ गया। मंगलवार को आत्महत्या वाला अमंगल, फंदे से लटकी मिली एक साथ तीन लाश, गरीबी ने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। तस्वीरें इतनी दर्दनाक है, जिसे खुले तौर पर देख लें तो गम से आंखें नम हो जाएंगी। इस घर में मौत का कोहराम मचा है, क्योंकि एक साथ एक ही परिवार के तीन लोग घर के कमरे में फंदे से लटके मिले। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के घोसीपुरवा के इस मकान में जितेंद्र श्रीवास्तव और उनकी दो बेटियों मान्या और मानवी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। 16 साल और 14 साल की दोनों जो बेटियां हैं वो नाबालिग हैं, और जो पिता हैं वो दर्जी का काम करते रहे हैं, और माँ जो उनकी पत्नी है वो कैंसर से पीड़ित रही और पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। और जो पिंजरे में तोते थे, उन तोतों को जो बेटी ने मैसेज लिखा है वो यही लिखा है कि उन तोतों को उड़ा दिया जाए। और पुलिस को एक डायरी भी हाथ लगी है, जो डायरी में कुछ अहम सुराग पुलिस को मिले हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन अभी फोरेंसिक टीम भी पहुंची और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और आखिरी में जो चीजें निकल कर आती हैं उसके बारे में अभी पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के पीछे वजह आर्थिक तंगी की बताई जा रही है।
कहा जा रहा है कि इस परिवार के साथ ऐसे हालात बने कि घर के मुखिया को खुद की और बच्चों की जिंदगी खत्म कर देना जीने से आसान नजर आए। कुछ नहीं हमको पता, हमको खाना बना, मीट अपने हाथ से बनवाए, लिट्टी बनवाए, लड़कियां लिट्टी भर दी हमको और मीट भर दी, हम जाकर अपने ड्यूटी पर खाना खाए, ड्यूटी से वापस आए हैं तो गेट के ऊपर वाली कुंडी लगी थी, घर में अपना झोला जो रखे हैं इनको टांगे देखे अपना हमारे करेजा फट गया, उस घर में भाग के गए हैं। दो साल पहले कैंसर पीड़ित पत्नी की मौत हो गई थी। पुलिस भी कह रही है कपड़े की सिलाई करने वाले जितेंद्र और उनके परिवार के लोग आर्थिक तंगी की वजह से परेशान हैं। बॉडीज हैं उनको नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा के अनुसार उसकी कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। निर्देशित किया गया है कि वीडियोग्राफी और पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। जो मृतक हैं उनके पिताजी से बात हो रही है और उनके अन्य परिजनों से बात हो रही है, घटना के संबंध में जानकारियां दी जा रही हैं उनके द्वारा जो भी लिखित रूप में, और बाकी जानकारियां दी जाएंगी और पोस्टमार्टम के हिसाब से अगले कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र की पत्नी की कैंसर से फरवरी 2020 में मौत हुई, लेकिन परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब जितेंद्र का ट्रेन हादसे में दायां पैर कट गया। इलाज में पैसे पानी की तरह खर्च हुए, परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने लगा। कुछ पता नहीं चला, सुबह पापा ड्यूटी से आए हैं तो डेली ताला वो लोग बंद करके सोते थे, ताला बंद नहीं था, कुंडी खोले हैं, अंदर गए हैं, चिल्लाने लगे हैं, फिर उठा गया हम लोग, दौड़ के भागा गया है, फिर सारी घटना पता चला है। कोई वजह नहीं जानकारी है, सुबह इनके पापा जब ड्यूटी से आए हैं बच्चों के, गेट खोले हैं तो देखे हैं कि दोनों बच्चियां और उसके पापा फांसी लगाए हुए थे, उसके बाद मोहल्ले वाले जुटे हैं, फिर प्रशासन को बुलाया गया है, फिर मीडिया को बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुदकुशी की पूरी कहानी साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।